नए साल के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी के गांधी मैदान में पहुंचकर मजदूरों के साथ नए साल की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने मजदूरों को मिठाई और कंबल बांटकर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले साल भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नए साल के पहले दिन मजदूरों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया था। सीएम ने कहा कि काम के दौरान मजदूर की मौत होने पर सरकार परिजन को 1,00,000 रुपए देगी, जबकि दिव्यांग होने पर 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का प्रदेश भर के असंगठित मजदूरों को लाभ मिलेगा। हमारे प्रदेश में लगभग 36 लाख असंगठित श्रमिक हैं और आज के दिन मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि जो श्रमिक जो असंगठित श्रमिक है, यदि किसी प्रकार से दिव्यांगता प्राप्त होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता कोष से मृत्यु उपरांत परिवार को 1,00,000 रुपया और दिव्यांग होने पर उनको 50,000 रुपया की सहायता दी जाएगी।